हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कट सीरीज़। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप। सुबह उठ के सबसे पहले हमने एक 5 किलोमीटर रन पूरा किया एंड उसके बाद हम फ्रेश अनअप होके ब्रेकफास्ट करके अभी हम पहले मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है। मैं हर सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाने के बाद हम ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे वापस जिम। तो जिम में अराउंड आज 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि बैक का वर्कआउट ज़्यादा नहीं होता। मेरे 3 एक्सरसाइजेज ही रहते, ज़्यादा कुछ नहीं रहते। एंड 3 एक्सरसाइज ख़त्म करके बाइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइज करूँगा एंड फटाफट से घर आऊँगा। घर आके मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं वो कल शूट करूँगा, परसों एडिट करके अपलोड कर दूँगा क्योंकि मैं बहुत फ्री बैठा हुआ अभी 2-3 दिन क्योंकि क्लासेस नहीं है। तो वी हैव टू डू दिस। मैंने 10 दिन में बस सोचा है कि क्या करें, बट आई डिडंट डू एनीथिंग। तो मुझे अभी अपना फोकस वापस से गेन करना है जो था हमारा अप्रैल और मार्च में। सो वी हैव टू डू दिस, लेट्स गो। आज की सबसे पहली मूवमेंट होगी हमारी चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो। मैंने इसके पहले अभी 2 वार्म अप सेट लगाए हुए हैं नो वे एंड 40 kgs के साथ। आज हम 80 kgs के साथ लगाने वाले हैं। स्लो एंड कंट्रोल वे में फेलियर तक जाएंगे। जब मैं चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो लगाता हूँ तब मुझे मेरे बैक में बहुत अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है जब मैं स्लो एंड कंट्रोल वे में रेप्स परफॉर्म करता हूँ एज कम्पेयर टू जस्ट पुलिंग वेट्स। Is it true all the things they say that we will come to an end? Is it true all the things they say? Maybe we could pretend. I don't wanna let go of your love. I don't wanna let go of your touch. 'Cause my sun is rising and setting with you. Never let it go of your love. And I'm rolling, rolling out, no controlling. DNA ain't no hoeing, jumping deep, never put no toe in. Stepped out and I'm growing, every day I've been growing. Never know where I'm going, and your bitch like how I'm flowing, flowing. I don't wanna be left by the side, 'cause I can't get you out my mind. I will never ever let go of your love. Never let it go of your love. Person that's inside.
ओके गाइस, वर्कआउट हो गया खत्म। हमारा वर्कआउट 1 आवर 15 मिनट्स में खत्म हो गया। मैंने सोचा था 45 मिनट्स का करूँगा, बट मेरे जो रेस्ट पीरियड्स होते हैं वो मैं 3 to 5 मिनट्स लेता हूँ। एटलीस्ट 3 मिनट्स तो भी लेता हूँ मिनिमम, क्योंकि मेरी जो हार्ट बीट है वो जब तक नॉर्मल नहीं आ जाती तब तक मैं नेक्स्ट स्टेज परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण मैं रेस्ट पीरियड ज़्यादा लेता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो द फॉर्म। क्रेजी पंप आया था, फैट भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया है मेरा। ऑलमोस्ट वी लॉस्ट 3 kgs ऑफ वेट इन 2 वीक्स। तो मैं अभी 80 kgs पे हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कार्डियो एंड टुक माय डाइट सीरियसली, तब मेरा वेट अराउंड था 83 kgs, एंड टुडे वी आर 80 kgs। सो वी डन अ गुड जॉब, एंड मुझे थोड़ा और लीन होना है, इससे भी लीन होना है। ये तो अभी तो शुरुआत है, जस्ट 2 वीक्स इन टू कट, अभी बहुत दूर जाना है अपने को। अभी मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करूंगा कुछ दिन, उसके बाद देखेंगे। अगर मुझे वेजिटेरियन डाइट से मुझे रिजल्ट मिला अच्छा खासा, तो हम वेजिटेरियन बन जाएंगे उसके बाद, नहीं तो हम नॉन वेज तो करना ही पड़ेगा चालू, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ब्रो। एंड ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइज, नए वीडियोज ऑन द वे है, बहुत क्रेजी स्टफ आने वाला है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगा आपको कल सुबह। Till then, peace out.